हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरजीत सिंह। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे मारुति आर्टिका के बारे में। तो एक गाड़ी आई थी मेरे पास, इसमें जो प्रॉब्लम आ रही थी कि गाड़ी जो है चलते चलते बंद होगी, उसके बाद स्टार्ट नहीं हुई गाड़ी। तो गाड़ी रोड पे बंद होगी, तो हमने इसको डायग्नोज किया, तो उसमें प्रॉब्लम थी, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो उसमें ऐसी प्रॉब्लम क्या आई और उसको हमने कैसे सॉल्व किया, उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हमने इसको स्कैनिंग किया, इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है क्यों आ रही है। तो देखिए, गाड़ी जो है रोड पे बंद हो गई थी, तो हमें यहाँ पे फॉल्ट कोड देखेंगे, इसमें फॉल्ट कोड क्या आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, फ्यूल प्रेशर सिस्टम टू लो आ रहा है, यानी इसका जो रेल का प्रेशर है वो कम है, जिसकी वजह से गाड़ी चलते चलते बंद हो गई। तो उसके बाद हमने देखिए इसके जो फॉल्ट कोड थे उसको हमने क्लियर किया, रेस किया। तो उसके बाद इसमें कोई कोड नहीं था, देखिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें कभी कोई कोड नहीं है। तो उसके बाद हमने इसको क्रैंकिंग किया, तब भी हमारी गाड़ी जो है स्टार्ट नहीं हुई। तो यहाँ पे हमने देखी, जैसे इसको क्रैंकिंग किया तब भी हमारी जो है गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। ये गाड़ी चलते चलते बंद होगी, उसके बाद जो है स्टार्ट नहीं हो रही। तो ऐसी प्रॉब्लम क्यों आ रही है वो चेक करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लाइव डाटा में जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम लाइव डाटा में इंजन स्पीड और जो हमारा रेल प्रेशर उसको सेलेक्ट करेंगे और चेक करेंगे क्रैंकिंग के टाइम हमारा जो प्रेशर कितना बन रहा है। तो देखिए, हमने इन दोनों को सेलेक्ट किया, अभी यहाँ पे क्रैंकिंग करेंगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे अभी क्रैंकिंग हो रही है, तो हमारा जो फ्यूल प्रेशर, रेल का फ्यूल प्रेशर है वो बिल्कुल बढ़ नहीं रहा, यहाँ पे बिल्कुल जीरो शो कर रहा है, यानी रेल का प्रेशर हमारा बंद नहीं रहा। तो ऐसा प्रेशर क्यों नहीं बन रहा वो चेक करेंगे कि ऐसी प्रॉब्लम इसमें क्यों आ रही है। तो सबसे पहले हम इसका जो कवर है ऊपर का, ये खोल लेते हैं, और ऐसी इसमें प्रॉब्लम क्यों आ रही है उसको चेक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो टैंक से इसमें मेन पाइप आ रही है, उसको हम खोलेंगे और देखेंगे हमारा जो डीजल का फ्लो है कितना आ रहा है। यहाँ पे हम गेज लगा के भी चेक कर सकते हैं। तो पहले हम इसको खोलते हैं। तो दोस्तों, जैसे हमने इसको खोला और चेक किया, इग्निशन ऑन किया, तो यहाँ पे जो है डीजल नहीं आ रहा था। यहाँ पे देखिए, हमने चेक किया, इसमें बिल्कुल भी डीजल नहीं आ रहा, जिसकी वजह से गाड़ी चलते चलते बंद होगी, उसके बाद जो है गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। तो हमने इसमें यहाँ पे क्रैंकिंग भी की और इग्निशन ऑन भी किया, तो यहाँ पे बिल्कुल तेल नहीं आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे टैंक के अंदर मोटर होती है, इग्निशन ऑन करने पर यहाँ पे तेल आना चाहिए, तो यहाँ पे बिल्कुल भी तेल नहीं आ रहा था। तो उसके बाद हम गाड़ी को जो है हमारी वर्कशॉप पे लेके आए कि इसमें ऐसी प्रॉब्लम क्यों आ रही है। तो उसको हमने प्रॉब्लम को डायग्नोज किया पूरा, गाड़ी को ओके किया। तो देखिए, इस गाड़ी को हम हमारी वर्कशॉप पे लेके आए और उसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम निकली उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। तो इस गाड़ी को हम जैसी वर्कशॉप पे लेके आए, इसको पूरे को चेक किया, जिसमें जो प्रॉब्लम मिली वो चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने इसकी, तो दोस्तों आप देख सकते हो क्रैंकिंग पे भी इसमें बिल्कुल डीजल नहीं आ रहा। तो उसके बाद हमने इसकी शीट वगैरह खोल के देखी कि कहीं इसकी वायर वगैरह कोई ख़राब तो नहीं है या कट चुकी तो नहीं है। तो हमने वो चेक किया पहले पूरा, और उसके बाद इसके जो जितने भी फ्यूज थे वो चेक किए, और इसकी देखिए हमने रिले भी चेक की कि इसकी कोई रिले वगैरह ख़राब तो नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे हमारी रिले भी बिल्कुल ओके है। तो इस रिले को ही चेक करने का मीटर है, अगर आपको मीटर चाहिए उसका लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और रिले को कैसे चेक करते हैं उसका लिंक भी वीडियो के एंड में मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने पूरे इसकी फ्यूज वगैरह चेक की है, रिले वगैरह चेक की कि इनमें कहीं फ़ल्ट तो नहीं है। तो ये रिले वगैरह बिल्कुल ओके थी, इनमें कोई फ़ल्ट नहीं था। ये रिले चेक करने का टेस्ट है, इसको आप चेक कर सकते हो कि आपकी रिले ख़राब है कि नहीं। और हमने मल्टीमीटर से इसके फ्यूज वगैरह चेक किए, तो हमारे फ्यूज है जो बिल्कुल ओके थे, यानी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। उसके बाद दोस्तों देखिए, टैंकी के पास जो इसकी वायर आती है, तो उसमें भी जो इसकी वोल्टेज है वो बिल्कुल ओके आ रही है, 12 वोल्ट के आसपास। और जैसे इसकी क्रैंकिंग करते हैं तो 10 वोल्ट के आसपास रहती है, जो बिल्कुल ओके है। तो देखिए, जैसे इग्निशन ऑन करते हैं तो यहाँ पे करंट शो होता है, इग्निशन को ऑफ कर देते हैं तो यहाँ पे करंट जो है जीरो हो जाते हैं। और उसके बाद क्रैंकिंग करते हैं, देखिए यहाँ पे अभी हम क्रैंकिंग करेंगे, तो यहाँ पे जो वोल्टेज है हमारी वो भी बिल्कुल ओके रहती है। देखिए, क्रैंकिंग करने के टाइम 10-11 वोल्ट यहाँ पे रहता है, इसका मतलब हमारी जो वायरिंग में करंट आ रहा है वो बिल्कुल ओके आ रहा है, जो फॉल्ट है कहीं और है। तो उसके बाद हमने क्या किया, इसकी जो पूरी टैंक है उसको खोला। तो देखिए, इसका टैंक है जो हमने इसको पूरा वो खोला, और उसके अंदर ऐसी प्रॉब्लम क्यों आ रही है इसको चेक करेंगे। तो उसके अंदर जो मोटर लगी होती है उसको हम चेक करेंगे कि इसकी जो प्रॉब्लम है क्यों आ रही है। तो इसको खोल लेते हैं पहले। तो देखिए दोस्तों, जैसे हमने इसकी टैंकी मोटर खोली, उसकी हमें जो प्रॉब्लम थी वो मिल गई, जो उसकी प्रॉब्लम थी टैंकी मोटर के अंदर थी। मोटर बिल्कुल ओके थी, पर इसमें जो दिक्कत थी इसकी वायर में दिक्कत थी। तो बता देते हैं क्या दिक्कत थी इसकी वायर में। टैंक हमारा जो बिल्कुल साफ है, और हमारी फ्यूल मोटर है वो भी बिल्कुल साफ है, इसके अंदर कोई कचरा नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो एक कनेक्शन है वो सड़ चुका है, जिसकी वजह से गाड़ी चलते चलते बंद होगी, उसके बाद जो है स्टार्ट नहीं हुई गाड़ी। तो आप देख सकते हो इसका जो एक पॉइंट है वो बिल्कुल सड़ चुका है, जिसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, और मोटर के अंदर भी इसका पॉइंट एक सड़ चुका है, तो आप देख सकते हो।
इसका पॉइंट सड़ चुका है, जिसकी वजह से गाड़ी जो है स्टार्ट नहीं हो रही थी, फ्यूल मोटर जो तेल नहीं दे रही थी। उसके बाद हमने इसको देखी, यहाँ पे अलग तार पाई डायरेक्ट करके, तो यहाँ पे हमने इसको ज्वाइंट कर दिया। इसकी अलग से वायर जो सड़ चुकी थी उसको हमने अलग से डाला, उसको इसको चेक किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने इसको लगा के चेक किया कि हमारी मोटर काम कर रही है कि नहीं। तो उसके बाद हमारी जो मोटर है बिल्कुल ओके काम कर रही थी। तो देखिए हमारी मोटर है बिल्कुल ओके काम करने लगी, इसका जो प्रॉब्लम थी वो हमें मिल गई, उसको हमने सॉल्व किया। उसके बाद हमने इसको कंप्लीट किया गाड़ी को, तो उसके बाद इसकी आप स्टार्टिंग देख सकते हो, इसकी जो गाड़ी की प्रॉब्लम थी बिल्कुल ओके हो गई। तो इस तरह से हमने इसको डायग्नोस किया। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हमारी जो गाड़ी है वो बिल्कुल ओके हो गई। दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पर मैसेज कर सकते हो, उसका लिंक मैंने वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आपको कुछ पूछना हो या कुछ बताना हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो या मैसेज करके बता सकते हो। तो तुम्हें वीडियो कहाँ भेज दिया भाई।